हेलो भाई, आज हमारे सामने खड़ी है पल्सर की 220F। कुछ ऐसा मिलता है ये 220, ये जो बजाज पहले बंद कर दिया था कुछ सालों के लिए, तो 220 का क्रेज़ काफ़ी बढ़ गया था। अब फिर से बजाज ने लॉन्च की है E20 वाली बजाज पल्सर 220F। कुछ ऐसा दिखता है आपको फ्रंट से लुक की बात करें तो पिछले वाले की तरह ही सब कुछ लुक्स मिल जाता है, आप देख सकते हैं। कुछ ऐसा मिलता है ये 220 का फ्रंट लुक में बात करें तो आपको यहाँ पे हैलोजन बल्ब मिल जाता है, नीचे प्रोजेक्टर दिया गया वो भी हैलोजन में। यहाँ पर आपको पायलट लैंप दो मिल जाते हैं और ये इंडिकेटर मिल जाता है आपको, जो कि फ्लेक्सिबल है। ये बजाज की काफ़ी अच्छी होती है, फ्लेक्सिबल, जल्दी टूटता नहीं है, यहाँ पे आपको मिल जाता है। और लुक से बात करें तो आगे से आप देख सकते हैं काफ़ी अग्रेसिव लुक मिल जाता है 220F का, आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी मानी जाने वाली बाइक है ये, यूथ की तो पहली पसंद वर्ती थी 220F। कुछ ऐसा मिलता है इसका वाइजर, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपको बॉडी जिसका यहाँ से टैंक से ये मिल जाता है कनेक्टेड। ये इसका ये नहीं हिलता, ये नीचे वाला हिलता है, इसको क्या कहा जाता है मुझे नहीं पता, लेकिन ये बहुत अच्छा होता है। ये लाइट आगे रहती है, टायर इधर टर्न हो जाता है। और बात करें फीचर्स की तो आपको यहाँ पर मिल जाता है, इस तरफ से आपको मैं दिखा दूँ, यहाँ पर आपको डिजिटल मीटर मिल जाता है। यहाँ पर आपको ऑन करके मैं दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको स्पीड दिखाएगा और यहाँ पे ट्रिप 1, ट्रिप 2 इस बटन से आप कर सकते हैं। और ये डिस्टेंस ट्रिम पिटी माइलेज दिखाता है, यहाँ पे आपको आरपीएम मीटर मिल जाता है। ये बजाज की काफ़ी अच्छी फीचर होती है, ये आरपीएम मीटर देखने से काफ़ी, जब भगाओ बाइक की तो काफ़ी मज़ा आता है। आपको यहाँ पे 12,000 तक की मार्किंग दी गई है। यहाँ पे इंडिकेटर्स की बात करें तो यहाँ पे टर्न इंडिकेटर मिल जाता है, आपको न्यूट्रल का इंडिकेटर मिल जाता है, यहाँ पे हाई बीम लो बीम ABS का इतना कुछ, और इंजन चेक लाइट, ये सब फीचर्स इसमें मिल जाते हैं। आपको RPM लिमिटर भी इसमें मिल जाता है, आपको ऐसा कुछ मिलता है। यहाँ पर टैंक कैपेसिटी की बात करें तो पता नहीं मुझे, लेकिन शायद 15 लीटर का इसका टैंक कैपेसिटी मिल जाता है, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। यहाँ पे E20 की बैजिंग आती थी इस वाले में, लेकिन ये ओनर ने निकाल दिया है। यहाँ पे आपको टैंक पैड मिल जाता है तो इससे स्क्रैचेस भी बहुत कम आते हैं। यहाँ पे आपको पल्सर की बैजिंग दी गई है, आप देख सकते हैं यहाँ 3D में पल्सर की बैजिंग, यहाँ रेड का स्टिकरिंग किया गया, ब्लैक पर काफ़ी अच्छा दिखता है रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन। और बात करें यहाँ पे साइड्स में तो आपको कार्बन फिनिश मिल जाता है, आप देख सकते हैं, ये देखने में काफ़ी अच्छा दिखता है, ये मतलब बहुत अट्रैक्टिव लगता है। और बात करें इसके सब फीचर्स की तो आप बैक से ही देख सकते हैं, कुछ ऐसा इसका लुक आता है बैक से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका टेल लाइट की बात करें तो आपको ये LED टेल लाइट मिल जाता है, जो काफ़ी देखने में रात में काफ़ी ज़्यादा रोशनी करता है। पीछे की बात करें तो आपको यहाँ पे फ्लेक्सिबल इंडिकेटर, यहाँ 220F की बैजिंग मिल जाती है, ये काफ़ी अच्छा लगता है मुझे देखने में पीछे से। यहाँ पे स्टिकरिंग की गई, यहाँ पे कार्बन फिनिश, काफ़ी मतलब काफ़ी अच्छी बाइक है मुझे लगती है। इस रेंज में इस बाइक का कोई होड़ ही नहीं, 180 के पड़ती है, 180 में आपको 220 मिल जाती है, 220 cc का इसका मैसिव इंजन मिल जाता है। सामने आपको देख सकते हैं, यहाँ पे आपको डिस्क मिल जाता है विथ ABS, पीछे बात करें यहाँ पे भी आपको डिस्क मिल जाता है, ओपन चैन सिस्टम मिल जाता है। और ये इसका कुछ ऐसा साइलेंसर, काफ़ी बड़ा मस्कुलर साइलेंसर इसमें मिल जाता है। और बात करें इसके भगाने उगाने की तो आराम से ये आपको 140 तो आराम से चली जाती है बाइक, 140 से 145 तक भी जाती है, ऐसा कुछ दिखता है ये 220F। कंट्रोल्स की बात करें तो आपको यहाँ पे लाइट्स के ये हाई बीम लो बीम का कंट्रोल मिल जाता है, फोकस या हाई बीम का लो बीम का कंट्रोल मिल जाता है। यहाँ पे पास की कंट्रोल है, यहाँ पे इंडिकेटर, यहाँ पे हॉर्न, यहाँ पे की स्विच, यहाँ पे सेल, ऐसा कुछ दिखता है। ये 220 का स्प्लिट सीट मिल जाते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे पल्सर का स्प्लिट सीट, काफ़ी अच्छा ये दिखता है। यहाँ पे आप दो लोग आराम से कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, कुछ बहुत अच्छा ये सीट कंफर्ट वम्फर्ट भी प्रोवाइड करती है। बात करें इसके इंजन की तो ये इंजन मिल जाता है आपको 220 cc का, ये लिक्विड कूल इंजन मिल जाता है, कोई रेडिएटर नहीं, आप यहाँ देख सकते हैं लिक्विड कूल इंजन मिल जाता है, सॉरी आपको इसमें किक नहीं मिलता है, डबल स्पार्क प्लग मिल जाते हैं, उस साइड भी शायद दिया है, हाँ देख सकते हैं आप, इस तरफ भी दिया है। कुछ ऐसा दिखता है इसका टैंक पैड, काफ़ी मतलब काफ़ी अच्छी बाइक मानी जा सकती है। इस रेंज में इस बाइक का तो कोई होड़ नहीं है, आपको देख सकते हैं ऐसा कुछ था ये वीडियो। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।